वन पंच मैन सीजन टू एपिसोड टू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सिस तो उन सभी क्रिमिनल से बात कर रहा होता है उसके लिए काम करने के लिए। पर जो वहाँ पर ब्लू फायर हीरो रहता है वो कहता है कि अब हमें क्रिमिनल्स के साथ मिलकर लड़ना होगा, जहाँ पर सिस गुस्से में कहता है कि चुप रहो, हमारे पास हीरोज की कमी है और हमें अर्थ को बचाने के लिए इनकी हेल्प लेनी होगी। पर वहाँ पर जितने भी क्रिमिनल थे वो सिस की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते, और जहाँ पर एक विलन गारो रहता है वो कह रहा होता है तुम्हें बस हमारा यूज करना है, क्योंकि जो गॉड लेवल के मॉन्स्टर्स हैं उन्हें तुम्हारे हीरो नहीं मार सकते। और जिसके बाद गारो कहने लगता है और वो गॉड लेवल का खतरा मैं खुद हूँ, जहाँ पर वो उन सभी लोगों को लड़ने के लिए वहाँ पर चैलेंज कर देता है, जहाँ पर सिस उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर जो गारो था वो वहाँ से नहीं जाता, जिसके बाद सिस वहाँ पर खड़े तीन हीरो से उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है, पर जो गारो रहता है वो उन तीनों को वहाँ पर डिफीट कर देता है, और साथ ही जो गारो रहता है वो वहाँ पर जितने भी क्रिमिनल रहते हैं उन्हें भी वहाँ पर मार देता है। जिसके बाद जो सिस रहता है वो सारे एस रैंक के हीरो को वहाँ पर भेजने का ऑर्डर दे देता है, और इस मैसेज को गारो ने वहाँ पर सुन लिया होता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अभी एस रैंक के हीरो से लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, और वो वहाँ पर सिस को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो सबको बता सके उसके बारे में, और जिसके बाद गारो वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ हम ब्लिज़ार्ड को अपने दो बॉडीगार्ड के साथ साइतामा के घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, और वहाँ पर हमें साइतामा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साइतामा बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है जो कि उसने किंग के घर से लिया होता है, और जो जेनोस था वो वहाँ पर बर्तन धो रहा होता है, जहाँ पर जेनोस बता रहा होता है उसकी रैंक बढ़ चुकी है और वो अब एस रैंक में पहुंच चुका है, और साथ ही वो साइतामा से कहता है कि आप जिंदे भी मॉन्स्टर को मारते हो उसकी खबर आप एसोसिएशन में नहीं देते हो, पर फिर भी आपकी रैंक बढ़ रही है और ऐसा ही चलता रहा तो आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। पर तभी वहां पर जेनोस को लगता है कि कोई उनके घर की तरफ आ रहा है और वो बहुत तेजी से आ रहा है, और जिसके बाद जेनोस उसके बारे में साइतामा को नहीं बताता और वो खुद ही बाहर जाकर देखता है, जहां पर वो सोनिक को देखता है जो कि साइतामा को दोबारा चैलेंज करने के लिए आया होता है, पर जेनोस उसे ही वहां पर फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जिसके बाद हम साइतामा को देखते हैं जो कि उस वीडियो गेम को खेल रहा होता है और वो किंग के सारे डेटा को उसमें से उड़ा देता है, जिसके बाद एक डोर बेल बजती है और साइतामा बाहर देखता है, और जो आइलेसर रहता है वो साइतामा को बाहर आने के लिए कहता है, यहाँ पर वो बताता है कि क्लास बी रैंक वो की उससे बात करना चाहती है। जिसके बाद जो साइतामा रहता है वो उन्हें कोई सेल्समैन समझ रहा होता है, पर जो वहाँ पर फुबुकी के बॉडीगार्ड रहते हैं वो उससे बाहर आकर उसको इंट्रो देने के लिए कहते हैं, जहाँ पर जो साइतामा रहता है वो एकदम डेंजरस लुक में अपना इंट्रो देता है, जहाँ पर जो फुबुकी रहती है वो उससे कहती है सभी हीरो किसी न किसी ग्रुप में जुड़े हैं, उसे भी किसी न किसी ग्रुप में जुड़ना होगा, इसलिए फुबुकी उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर साइतामा के दिमाग के ऊपर जारी होती है सारी बातें। पर वहाँ पर साइतामा ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारा ऑफर ठुकरा दूं तो तुम भी मेरे खिलाफ हो जाओगी। जिसके बाद साइतामा कहता है वो सीधा रैंक में जाएगा जहाँ पर फुबुकी रहती है, वो इस बात को सुनकर वहाँ पर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बॉडीगार्ड से साइतामा को वहाँ पर मारने के लिए कहती है, पर साइतामा उन दोनों को एक ही पंच में ढेर कर देता है, जिसके बाद जो फुबुकी रहती है वो खुद ही साइतामा से वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और जिसके बाद वो एक तूफान ले आती है जिसमें साइतामा फंस जाता है। पर उसके अगले सीन में जो साइतामा रहता है वो फुबुकी के पीछे खड़ा रहता है और फुबुकी से लड़ते हुए वो गुस्से में से समझाता है कि दुनिया में बहुत सारे पावरफुल विलन है, फिर भी फुबुकी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही है और इसलिए उसे हीरो बनने का कोई हक नहीं है, जिसे सुनकर फुबुकी वहां पर चिढ़ जाती है और साइतामा पर और हमले करती है, पर साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर। और जिसके बाद जो फुबुकी रहती है वो साइतामा पर एक स्वर्ड से उस पर हमला करती है, पर इतने में जो साइतामा रहता है वो वहां पर सोनिक और जेनोस की फाइट की झलक देखता है, जहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जो फुबुकी थी वो साइतामा के पीछे थी इसलिए वो वहां पर बच जाती है, और जो जेनोस था वो वहां पर साइतामा को सोनिक के बारे में बता रहा होता है, और साथ ही वो फुबुकी को देखकर समझ जाता है कि ये एक बी रैंक हीरो है, और साथ ही जो फुबुकी रहती है वो जेनोस को देखकर समझ जाती है कि ये एस सुपर हीरो है, पर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर जो जेनोस था वो साइतामा को मास्टर बोल रहा होता है तो फुबुकी सोच रही होती है कि वो इसे मास्टर की बोल रहा है, और इतने में ही वहाँ पर सोनिक आ जाता है जो कि साइतामा से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे चेले को कैसे मारता हूँ। जिसके बाद जेनोस और सोनिक की वहाँ पर दोबारा फाइट स्टार्ट हो जाती है, और जिसके बाद वहाँ पर जेनोस और सोनिक की फाइट चल रही होती है, पर जो सोनिक रहता है वो जेनोस के चारों तरफ अपनी पावर की हेल्प से घूमने लगता है और वहाँ पर जेनोस को पांच सोनिक दिख रहे होते हैं। जिसके बाद जो जेनोस रहता है वो एक एक्सप्लोजन करके पूरे ही एरिया को उड़ाने वाला होता है, पर तभी साइतामा वहां पर सोनिक को रोक देता है और साथ ही वो जेनोस की जान बचा लेता है, और साथ ही वो कहता है कि वो पड़ोसियों और अपने घर को उड़ता हुआ नहीं देख सकता। और जिसके बाद साइतामा जेनोस से कहता है कि तुम्हारे पार्ट्स गली की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है और ये मेरी लड़ाई है, इसलिए मैं इसे खत्म कर देता हूं। और जिसे सुनकर सोनिक वहां पर खुश हो जाता है और फिर वो अपनी पावर का यूज साइतामा के ऊपर करने लगता है। जिसके बाद जब सोनिक अटैक करता है तो उसके अटैक से वहां पर सोनिक के 10 क्लोन साइतामा को दिख रहे होते हैं। जिसके बाद जो साइतामा रहता है वो अपना अटैक स्टार्ट करता है तो उसके सैकड़ों क्लोन वहां पर सोनिक को देखने लगती हैं, जिसे देखकर सोनिक वहां पर घबरा जाता है और वो दोबारा साइतामा से हार जाता है, जहां पर फुबुकी देखकर समझ जाती है कि जो साइतामा है वो कोई मामूली हीरो नहीं है। यहां पर जो फुबुकी रहती है वो सोच रही होती है कि वो सबसे पावरफुल बनने के लिए पैदा हुई थी, पर वो एक गर्ल होने के कारण बी रैंक में रह गई, पर जो उसकी सिस्टर थी टोर्नेडो वो काफी पावरफुल थी और वो एस रैंक में है, और ये सारी चीजें वो साइतामा जेनोस को बता रही होती है घर में बैठकर उसके, जहां पर वो बताते हैं कि वो अपनी सिस्टर के चलते कभी एस रैंक में नहीं आ पाई। इसके बाद जेनोस कहता है तो तुम क्लास ए में टॉप पर क्यों
नहीं जाती, जहाँ पर फुबुकी कहती है कि उसमें पहले ही 5 पावरफुल हीरो हैं और जिसमें सबसे ऊपर अमाई मास्क है, पर आज तक कोई उसे हरा कर ए रैंक के टॉप पर नहीं पहुंच पाया। दूसरी तरफ हम अमाई मास्क को देखते हैं जो कि कॉलेज में होता है और एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। पर हमें बताया जाता है जो वो मॉन्स्टर है वो एक एक्सपेरिमेंट के चलते ऐसा बना है, क्योंकि वो पहले एक सिंपल ह्यूमन था, पर जो अमाई मास्क रहता है वो दोबारा अपनी मनमानी करते हुए उस मॉन्स्टर को वहां पर मार देता है, पर उसे ऑर्डर सिर्फ उसे रोकने के ही मिले थे। और जो बाकी 4 रोज है वो खुद एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट है, इसलिए फुबुकी क्लास बी में रहकर अपना ग्रुप बना रही है। साथ ही वो बताती है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हीरो को ही अपने ग्रुप में ऐड करती है और उसे साइतामा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उसे वो इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर आई थी। और उसके अगले सीन में डोरबेल बजती है जहाँ पर जेनोस देखता है कि किंग गेट पर आया होता है और वो साइतामा से कह रहा होता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, उसके पास उसका वीडियो गेम है, बस वो उसे वापस कर दे। वहां पर साइतामा थोड़ी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने उसका डेटा उड़ा दिया था। और साथ ही जब अपने वीडियो गेम को दोबारा लेता है तो वो देखता है जो उसके बटन थे वो भी टूट चुके होते हैं, साइतामा ने खेल खेल कर तोड़ दिया होता है। और उनके कन्वर्सेशन देखकर जो फुबुकी रहती वो सोच रही होती है कि वो बड़े एस रैंक के सुपर हीरो वहां पर साइतामा से इस तरह बात कर रहे हैं जैसे वो फ्रेंड्स हों। जिसके बाद हम फुबुकी को देखते हैं जो कि आई थी वहां पर साइतामा को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, पर अब वो खुद ही साइतामा के साथ ज्वाइन होना चाहती थी। और दूसरी तरफ हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो जेनोस का नाम डीमन साइबोर्ग रखती है और साइतामा का नाम कैप्ट बोल्डी रखती है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहां पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूं आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर न्यू सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।